अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? काफी लोग पूछ रहे थे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स क्यों किया है, क्या मकसद है इसके पीछे? देखो, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, अब मैं 5-5 हज़ार में आप सब लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग करके दिया करूंगी। अगर आप लोगों ने अपने ब्रांड की कोई चीज बनानी है, कोई भी अपना लोगो शोगो कुछ भी फलां 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 करना है, रिश्ता पोर्टफोलियो भी बनाना है, तो मैं वो भी आप लोगों को बना के दूंगी ओनली 5,000 रुपीज। बाकी तो लेते हैं तकरीबन 1,000 लेते हैं, या 700 या 800 पर पिक्चर लेते हैं, मैं 5,000 लूंगी क्योंकि मैं अभी बिगनर हूं ना। मजाक कर रही हूँ, वैसे ही सीख गए, ऐसे कीड़ा होता है मुझे हर चीज सीखने का, क्योंकि जब मैंने मेडिकल भी जब मैं कर रही थी तो मुझे अकाउंटिंग सीखने का बड़ा कीड़ा था, फिर मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कर ली और फिर अकाउंटिंग भी कर ली, हर चीज में घुसने का शौक होता है। आता मुझे कुछ नहीं, लेकिन घुस में हर चीज में जाती हूँ। अगर जी आप लोग को प्रॉपर डीलिंग करनी नहीं आती, आप लोग इंट्रोवर्ट हैं, या तो आप लोग का ब्लॉगिंग की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बहुत सी ऑप्शन है। सपोज मैं कल देख रही थी अपने क्वेश्चंस, मैं सोच रही थी कि मुझे जिस तरह क्वेश्चन चाहिए फैंसी भी हों, एलिगेंट भी हों, थोड़ी रिच फील भी आए, कहाँ से मिलेंगे? सर एक ब्रांड मेरे दिमाग में आ रहा था, वो था शनायर, उसके अलावा कहीं ऐसे क्वेश्चंस नहीं मैंने देखे। अगर देखे भी हैं तो मुझे पसंद नहीं आते, किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं आता, कोई बहुत एक्स्ट्रा ओवर होते हैं, कोई बहुत लाइट होते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन तो सिर्फ एक ब्रांड के मुझे दिमाग में आ रहा था। और वहाँ पे एक क्वेश्चन तकरीबन 15,000 से 14,000 तक का आप लोग को मिलेगा, तो वही अगर हम लोग खुद बनाए करें और 7 या 8 हज़ार का भी बेचें तो लोग खरीदेंगे। अच्छी चीज़ दें, महंगी भी हो, लोग खरीदते हैं, जो मर्जी कर लो। जब मैंने फाउंडेशन लॉन्च की थी तो सब कह रहे थे कि बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, और अब जिसने एक बार फाउंडेशन यूज कर ली है वो बार बार फाउंडेशन खरीद ले, एवं तो नहीं 50 साल फाउंडेशन सेल हो गई। और दूसरा सबसे ज्यादा सवाल मुझसे ये किया जाता है कि आप ही सपोज हमने काम शुरू कर लिया, हमें ऑर्डर्स कब आना शुरू होंगे? और यार पहले जानता मान लो, आप लोगों ने ना भी मेहनत की है, ना स्ट्रगल शुरू किया, ना जो आपको स्किल हासिल है आपने अपने आप को मनवाया। मनवा इस तरह सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि जो आप लोगों को काम आता है वो करते हुए वीडियोस शूट करें, जब काम वो हो जाए पिक्चर्स पोस्ट करें, ताकि लोगों को पता तो चले एंड प्रोडक्ट ये है, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी। स्टोरीज अपलोड करें, पेज अपना अच्छा सा बनाएं, या कुछ भी करें जिस तरह आप लोग करना चाहते हैं। और एक असूल है बिजनेस का, जो चीज दिखती है वो बिकती है, जो चीज बिक जाती है वो ऑटोमेटिकली दिखती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप इतने ऑर्डर्स आते हैं, आप लोग स्टोरीज ना लगाया करें, नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात है, जो चीज दिख रही है ना वही बिक रही है, और जो चीज बिक रही है वो तो आप लोग मेरी स्टोरीज में देखते हैं, लोग धड़ाधड़ माशाल्लाह 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 ले रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मोल्ड करके बातों को, किस तरह मैं अब आप लोग बताऊँ, सब डाइटिंग कर कर मेरी हड्डी की पसली पसली की हड्डी हो गई है, और ये देख लो, एक बार ये दोनों बड़े हो जान, मैं कोई लेला भी पाल लवा तो मेरा नाम मरियम परवेज नहीं। यार नाक मेरी वैसी बड़ी हुई हुई है, हल्की सी नाक सूज है, सबको लगता है प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब क्या यार, नाक में बच्चा थोड़ी है।